पंजाब सरकार दे हुकमां दे उपर हुण करोना की दूसरी वेव तो बाद सूबे दे विच सारे स्कूल जिहड़े सी ओह खोल दिते गए ने। पंजाब सरकार ने पिछले दिनां दे विच दसवीं तो बारहवीं जमात के जिहड़े विद्यार्थी सी उन्हां नूं बुलाउणा शुरू कीता सी, पर नाल ही हुण सारियां जमातां पहली क्लास तो होवे जां नर्सरी क्लास तो एक जिहड़े स्कूल ने एक खोलण दे हुकम दे दिते ने, जिस दा असर अज साफ दिख रहा है। अमृतसर दे लारेंस रोड से सरकारी एलीमेंट्री स्कूल के मौजूद हैं तकरीबन सारिया क्लासों के जो विद्यार्थी ने आए हैं। सब तो पहला प्रिंसीपल जिहड़े ने सुरेश जी साढ़े नाल ने, सुरेश जी सब तो पहला जी गवर्नमेंट ने की गाइडलाइनस जिहड़ियां इन्हां बच्चों के लिए तुहानूं जिहड़ियां जारी की? जिवें कि सरकार ने जदों सानूं पता लगा सैटरडे वालों शनिवार वाले दिन चिट्ठी जारी हुई है भी स्कूल जिहड़े 12 अपने 2 अगस्त तो लग रहे हैं, तो असी उस दिन ही असं पहले भी प्रबंध किए हुए थे, उस दिन भी असी बेंच साफ कराए, उन्होंने कमर सैनिटाइज कराया और जेडे पेरेंट्स के साडे स्कूल के ग्रुप बने हुए और बकायदा उन्होंने अं मैसेज सेंड किए भी सारे बच्चों मास्क पा के भेजा जाए। और असी जो तो बच्चे भी स्कूल आए असी देखा जेकर किसी बच्चे को मास्क नहीं है तो असी उन्होंने मास्क अपने को प्रोवाइड कराया और बकायदा उन्होंने हाथ सैनिटाइज कराए गए और उन्होंने असी क्लास में एक बेंच एक बच्चा ही बिठा रहे हैं और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा प्रोपर ध्यान रख रहे हैं। सर जिहड़े तुहाडे स्कूल दे विच की स्ट्रेंथ की है विद्यार्थियों की, क्योंकि जिहड़ा लारेंस रोड ते स्ट्रेंथ काफ़ी तुहाडे है तो फिर तुसीं इन्हां नूं किवें बुलाओगे विद्यार्थियों नूं, रोटेशन वाइज भी बुला सकते जां सारे इकट्ठे भी बुलाओगे? हाँ जी, साडे कोल 317 दी बच्चों की गिनती है और जो कि अज तकरीबन 60 के आसपास बच्चे आए हुए ने और जिदा कि सरकार कहती है 6 फुट की दूरी पर बच्चा बिठाना और जेकर अगों सानू समय अनुसार लग्या भी बच्चों की असी सेहत का ध्यान रखते हुए उन्होंने COVID-19 की पालना करते हुए जेकर सानू लगेगा भी बच्चे ज़्यादा आ रहे सानू रोटेशन वाइज बुलाना पाया तो असी उस हिसाब इन्हां दी बच्चे की रोटेशन भी सैट करांगे। सर ये जिहड़े स्कूल सीगे कोविड के दौरान कदों कदों बंद रहे थे, कदों कदों तुसीं विद्यार्थियों नूं बुलाया सीगा पिछले समय दे विच? आई थिंक जनवरी दे विच भी विद्यार्थी आउंदे रहे। हाँ जी, मार्च 2020 तो स्कूल बंद हो गए थे, उस तो बाद फिर सरकार ने जनवरी 2021 स्कूल खोले से, जनवरी फरवरी और मार्च में फिर बंद कर दिए गए थे क्योंकि जिहड़ी दूसरी लहर फिर आ गई सी और बच्चों की इन्हें करके सरकार वालों जी सानू हिदायतें प्राप्त हुई सी असी उन्होंने फिर ऑनलाइन उन्होंने बच्चों स्टडी कराते रहे और बकायदा बच्चों को जेकर किसी बच्चे मुश्किल आती सी तो उन्होंने ग्रुप बनाए गए थे ताकि कोई भी बच्चा भी पढ़ाई तो ना रह सके, उन्होंने ऑनलाइन ग्रुप बना के हुण सरकार ने जिहड़े स्कूल खोले आ असी उहदा भी COVID-19 दी हिदायतों का पूरा पालन करांगे और कर भी रहे हैं और पूरा बच्चों की सेहत का ख्याल रखांगे। सर बच्चे जिहड़े विद्यार्थी आ रहे हैं ओबियसली सारे छोटे ने तो फिर सारे का टैंपरेचर कितनी बारी चेक करते हो तुसीं बच्चों का? असी जो बच्चा गेट तो एंटर करता और पहले सब तो पहले उसका टैंपरेचर चेक किया जाता और असी फिर उन्हों का अद्धी छुट्टी अज होएगी जो हाफ डे होएगा इन्हों का फिर टैंपरेचर चेक किया जाएगा और असी प्रोपर इन्हों का हर रोज़ टैंपरेचर चेक करांगे, जेकर सानू किसी बच्चे का लगेगा तो उसका पेरेंट्स ना गलबात करके उन्होंने बच्चों को वापस भेजा जाएगा। स्टाफ सर वैक्सीनेशन स्टाफ की वैक्सीनेशन होगी? हाँ जी, साढ़े सारे स्टाफ की वैक्सीनेशन हुई हुई है और उन्होंने सारे 2-2 जी डोज है लग चुकी हुई हैं। तो सर इस तो अलावा जिहड़ी जमातों की जिहड़ी गल सीगी जमातों नूं फिर क्लासां नूं सैनिटाइजेशन किन्नी वारी आप ही करवाउंदे जां सेहत विभाग वल्लों आउंदे? नहीं जी, असीं आप ही करवाउंदे आ, असीं साडे सफाई कर्मचारी ने सफाई कीती और सैनिटाइजर साडे टीचर ने आप बेंचां दे उपर और रूम दे विच और हर तरह की सैनिटाइजर असीं आप ही कीती। कुछ अजिहियां वी गल्लां जिहड़ियां तुसीं मना ही कीती आ बच्चियां नूं जिवें इकट्ठे नहीं बैठ सकदे ज़्यादा, तां इस तरह के किहड़े किहड़े ने जिहड़े तुसीं बच्चियां नूं कहा कि इन्हां चीज़ां दे रूल दी पालना? असी बच्चों अज बच्चे आए ने उन्हों समझाया भी अपने पानी की जड़ी कल ही इन्हों कहता से अपनी पानी की बोतल लैके आयो और तुसी कट्ठे नहीं बहना और जड़ा भी तुसी अपने एक दूजे के संपर्क च नहीं आना और अपनी दूरी बना के रखनी और मास्क जड़ा वो प्रोपर उसका इस्तेमाल करना। बच्चे छोटे ने बच्चों ऑनलाइन क्लासेस तुसी भी करवाते रहे हो जी बच्चों दी? और साडा जिहड़ा लॉकडाउन के दौरान सारा काम ही ऑनलाइन चलता रहा और बकायदा साढ़े टीचर जिहड़े उन्होंने ऑनलाइन काम देते सी और बकायदा उन्हों का चैक भी करते सी और पूरा असी ऑनलाइन बच्चों नाल राबता रखिया। हुण वी सुरेश जी जेकर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन चाहुंदा वे तां उसकी स्टडी जारी रहेगी कि सारे नूं लाज़मी कर दित्ता? हाँ जी, असी नहीं असी बच्चों के पेरेंट्स को कंसंट ली है, उन्होंने सहमति ली है जेडे पेरेंट्स अपने बच्चों भेजना चाहेंगे और जेकर कोई किसी पेरेंट्स को लगेगा भी मैनू अजे नहीं ठीक लग रहा तो उन्होंने पूरा प्रोपर उस तरह ही ऑनलाइन उन्होंने काम दिता जाएगा। सर जब अजे कहने तो भाव कि अजे कोई जोर हाँ जी अजे कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई दबा नहीं है
कोई पेरेंट्स नाल असी उन्हों की सहमति नाल बच्चों नू बुला रहे हैं और असी इन्हां दी सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखांगे और जेकर सानू लगेगा भी बच्चों की गिनती स्कूल में ज़्यादा हो गई है और असी उन्हां नू रोटेशन वाइज सद के और जिहड़े दूसरे बच्चे होणगे उन्हां नू ऑनलाइन काम दे के असी इन्हां दा पूरा कोविड-19 दी जिहड़ियां इंफेक्शन हैगियां उन्हां दा पूरा पालन करांगे। सेहत विभाग ने सर कुछ हर स्कूल दे विचों नोडल अधिकारी मंगे सीगे तां तुहाडे कोलों वी किसी टीचर दे नोडल अधिकारी वजों तुसीं वी नियुक्त कीता जी? हाँ जी हाँ जी, असी भी साडे स्कूल दे भी जिहड़े टीचर ने दो टीचर असी नोडल्स बनाए हुए ने जिहड़े उन्हां दी हैल्थ उन्हां दी बारे पूरी ध्यान रखदे ने और उन्हां दा चैकअप भी साडा जिहड़ा हैल्थ डिपार्टमेंट नाल प्रॉपर हुंदा रहिंदा। सर सेहत विभाग दीआं टीमां स्कूल दे विच विजिट करके गईआं जां तुहाडे डीईओ साहब ने कोई तुहाडे विजिट रखी होवे जां तुहाडे नाल कोई मीटिंग कीती? हाँ जी, डीओ साढ़े डिपार्टमेंट नाल डीओ साहब साढ़े बीओ साहब नाल बकायदा मीटिंग हुई और समय समय सिर सानू उन्होंने जिहड़ा भी इस बारे दसते रहिंदे ने और क्योंकि स्कूल बंद सी इस कारण हैल्थ डिपार्टमेंट वाले जिहड़ा भी बच्चा दा प्रोपर भी जिहड़ा चैकअप नहीं हो पाया हुण असी स्कूल लगे ने उन्हां नाल संपर्क करके इन्हां दे जो भी ट्रीटमेंट जिद्दां भी कोई हैल्थ डिपार्टमेंट होवेगी उन्हां दा सहयोग लवांगे। एज ए टीचर जिहड़े स्टूडेंट ने लास्ट ईयर तुसीं भी सारे स्टाफ सारा बैठ दोगे, स्टूडेंट दा कोई लगता तुहानूं कि स्टडी दा कोई नुकसान होया होएगा जां नहीं कवर हो गया सी? हाँ जी, असी साढ़े टीचर ने काफ़ी कोशिश की और जेकर किसी बच्चे नू मुश्किल आती सी ऑनलाइन तो असी उदा कोई टाइम भी रखे हुआ सी जेकर किसी बच्चे नू कोई मुश्किल आती है और उन्हां दा फिर असी सोशल डिस्टेंस जा और कोविड-19 की पालना करते हुए उन्होंने कुछ समय लिए सद के उन्होंने दसते सी और ज़्यादा जिहड़ा काम ऑनलाइन तो ही रहा और जिहड़ा हुण बच्चे कि स्कूल आए ने इन्हां दा भी बहुत वधिया हुण जिहड़ा टीचर ते एक बच्चे दा जिहड़ा राबता हुंदा वह बनेगा और बच्चे बहुत वधिया और जल्दी और जिहड़ी कमी रह गई सी जां कुछ जिहड़ा गैप हैगा उहनूं कवर कर लेंगे। तुहाडा स्कूल इस करके भी इंपोर्टेंट है कि बाकी भी सारी डिटेल जिहड़ी है तुहाडे स्कूल ही स्कूल दे विच ही आउंदी, बाकी भी जिन्ने एलीमेंट्री स्कूल ने एज ए सीनियर होने करके तो सर बाकी स्कूलों के किमें रिस्पोंस अज पहला दिन है बाकी स्कूलों चो कि रिपोर्ट आई तुहाडे को किन्ने क स्टूडेंट अज पहुंचे ने? हाँ जी, साडा सेंटर स्कूल है और साढ़े अंडर 10 स्कूल ने और उन्हां 10 स्कूलों के भी असी सानू 5-6 स्कूलों की रिपोर्ट आ चुकी है, काफ़ी बच्चों का रुझान है और बच्चे आने स्कूल हो शुरू हो गए ने और एक दो दिन के बीच लगता भी तकरीबन सारे बच्चे स्कूलों नाल आ गए और पेरेंट्स में भी काफ़ी उत्साह है भी स्कूल लगन भी असी बच्चों अपने स्कूल भेजिए। कोविड बड़ा सेंसिटिव जहा से आखिरी सवाल है तो इस दे लई तुसीं प्रिपेयर कि सारे टीचर्स नू चौकस रहना पएगा एक कि छोटी जो छोटी गल का भी ख्याल रखना पएगा भावें किसी स्टूडेंट कोई समस्या हो जाए टीचर नू तो इस दे प्रति एक फर्ज भी बच जाता है अपना भी ख्याल रखना बच्चों का तो इस दे लई तुसीं आपस दे विच तुसीं प्रिपेयर हो सारे? हाँ जी, असी पूरी तरह प्रिपेयर है और असी कोविड के बच्चों का पूरा चैकअप किया है और कोई भी सानू बच्चा यहोजा नहीं लग्या जिन्हों फीवर हो बकायदा चैकअप करके पहले भी असी पेरेंट्स भी कहता सी जेकर तुहानूं कोई बच्चे च कोई प्रॉब्लम लगती है कोई फीवर है कोई सर्दी है जुकाम है उस बच्चे अजे ना भेजा जाए और असी भी इन्हां दी प्रॉपर जी इन्हां दा फीवर चैक किया और टैंपरेचर चैक किया सारा कुछ सैनिटाइज भी किए। हाँ जी बिल्कुल जी, असी रोज़ इन्हों का सवेरे दो टीचर की ड्यूटी लगाई हुई है और उन्होंने चैक करके ही अंदर भेजा जाता और सैनिटाइज करके ही अंदर भेजा जाता। ये स्कूल के प्रिंसीपल ने तो सिटिंग अरेजमेंट तुम्हें दिखा दें बच्चों के छोटे बच्चे ने जोड़े हर बेंच के उपर एक एक विद्यार्थी बैठेगा और बैठने की समिट्री इस मुताबिक है कि इको रोज विद्यार्थी नहीं बैठणगे तो यह टीचर सारे विद्यार्थी अपने सैनिटाइजर नाल लैके आए ने मास्क सारे ने पहने हुए ने और स्कूल दे विच भी बकायदा जिहड़े सैनिटाइजर जी सीगे वह स्कूल दे विच भी मास्क जिहड़े ने वह वंडे जा रहे हैं तो उम्मीद इहो कीती जा रही है कि पुराना पिछले 2020 तो पहला जिवें विद्यार्थी स्कूलों के आके पढ़ाई करते सी तो उस तरह ही पढ़ाई कर सकन। बहुत बच्चों के भी उत्साह सी ते एक लंबा समा जिहड़े विद्यार्थी सी अपनी क्लासों तो दूर रहे भावें कि टीचर साहबान ने ऑनलाइन स्टडी करवाई पर फिर भी एक जिहड़ा माहौल सी वह जिहड़े करोना का एक डर सी एक दहशत सी इस तो बाद जिहड़ी वैक्सीनेशन हुई तो हुण सरकार ने जो हदायत जारी कीतियां ने उसकी इन बिन जिहड़ी पालना वह की जा रही है। बच्चे जिहड़े ने छोटियां जमातों के इन्हां दी रेगुलर जांच की जा रही है, हर स्कूल के विचों एक एक दो दो टीचर अजिहे ने जिहड़े सेहत विभाग के नाल
लगातार संपर्क के विच ने ते नाल ही उन्हां दे जिहड़ियां गाइडलाइन सेहत विभाग वल्लों आउंदियां ने बच्चों की चैकिंग रैगुलर होंदी है, टीचरां की जिम्मेवारी भी जिथे उन्होंने बच्चों को पढ़ाना है नाल ही बच्चों की जांच की जिम्मेवारी भी टीचरां की जिहड़ी है वह बनी है। तो स्कूल सूबे दे विच दुबारा लग गए ने, तीसरी वेव का खदशा भावें कि सरकार वल्लों जां केंद्र सरकार वल्लों कहा गया सी पर हालात पंजाब के अजिहे ने, अमृतसर जिले के अजिहे ने कि करोना के केस बिल्कुल घट गए हैं तो उम्मीद की जा रही है कि तीसरी लहर ना ही आए तो बच्चे जड़े ने ये उस तरह ही पढ़ के इन्हां स्कूलों के विचों अगे वध सकन। लॉरेंस रोड का जिहड़ा स्कूल है इसके रिजल्ट हमेशा ही शानदार रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि विद्यार्थी लगातार करोना के डर तो मुक्त हो के चंगी तरह पढ़ाई करन ते अपना जो भविख है इस नूं रोशना सकन। कैमरा परसन सिकंदर के नाल गगनदीप शर्मा, एबीपी सांझा, अमृतसर। ABP Sanja, Josh, Jazba, Junoon.